नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। और आज मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है, थोड़ा कोल्ड है और फीवर भी है। और सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, देखिए। और अब तो खैर धूप निकल गई है और अचानक से हमें गाँव जाना पड़ रहा है। मैं तो मना कर रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन ये बोल रहे हैं कि चलो। तो फिर सोचा मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि मुझे गांव गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। मैं दीपावली पर गांव गई थी, उसके बाद अभी तक गांव नहीं गई हूँ। तो आज जा रही हूँ गांव, तो चलिए चलते हैं गांव। फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं गांव। और देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और अचानक से ही धूप निकल गई और इतना अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ गांव में और ये मेरा रूम है गांव में। ये है मेरा रूम, मतलब ये रूम था मेरा। और ये देखिए अलमारी में पता नहीं क्या कर रहे, क्या कर रहे भाई तुम अलमारी में? अरे मुझे कुछ मिला है। क्या मिला है? देखो, जब मैं छोटा सा था ना, जब का स्केच। अच्छा, ये तब का स्केच मिला है तुम्हें? और ये मार्कर भी। अच्छा, तो ये ढूंढ रही है तुम अलमारी में? नहीं। और अरे कुछ पास रखा है यहां पे, वो निकालने की कोशिश कर रहा। कुछ नहीं निकालना, उसे उसे पैक कर दो बेटे। मेरे अलमीरा में से क्या मिला है? मेरे फ़ोटो। ये मैं जब टेंथ में थी तो मैं ऐसी थी, और ये मेरा ट्वेल्थ का फ़ोटो है। ये मेरा ट्वेल्थ का फ़ोटो है और ये है मेरा बीए का फ़ोटो, तब मैं बीए कर रही थी। ये मेरा तब का फ़ोटो है। देखिए अभी अक्षत ने कहाँ से निकाल लिए मेरे फ़ोटो, देखो कैसी थी मम्मी पतली सी और अब मम्मी मोटी होगी। सो फ्रेंड्स, मैंने कपड़े निकाल लिए हैं क्योंकि मुझे थोड़े से कपड़े निकालने थे जो बेड में मेरे छूट गई थी, एक दो जर्सी वर्सी जो रह गई थी सर्दियों के लिए, क्योंकि मैं अपने सर्दियों कपड़े यहीं पे रखती हूँ। जैसे सर्दियाँ आती हैं तो गर्मियों कपड़े वहाँ से उठा के यहाँ ला के अपने बेड में रख देती हूँ, और जब गर्मी आती है तो यहाँ से गर्मी कपड़े लेके जाती हूँ और सर्दियों कपड़े आके अपने बेड में रख देती हूँ। देखो फ्लैट थोड़ा छोटा है, वहाँ कपड़े रखने की तो इतनी जगह है नहीं कि भाई वहाँ कपड़े मैं पूरा अपना सर्दी के वहीं रखूँ फिर गर्मी के निकाल लूँ, क्योंकि मैं बेड भी नहीं गई थी लेके, बेड भी मेरा यहीं पे ही है। जब ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो डेली आना होता है गाँव, तो देखिए। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं गाँव से। सामान उतार लिया था क्या? सामान सब उतार लिया, सही है। और दोनों देखो भाई, आते ही क्या, एक को ठंड लग गई, एक रजाई ओढ़ के लेट गया, और एक को लग रही है मुझे पुष्पा देखनी। पुष्पा पुष्पा मैं। तो देखो, ये यहाँ सो रहा पुष्पा। चलो देखो भाई, तो क्या चाय बना दी? क्या चाय बना दो? ठीक है, तो चलो दूध गर्म करती हूँ। फिर आपने चिक चिक कर रखा पूरे, पूरा बुरी हालत है। देखो गाँव तो नहीं हुई बारिश, और यहाँ उसके बाद एक बार बारिश हो गई। लो बारिश आ गई, तो दूध गर्म कर दो पहले। शुक्र है कि हम बाहर से अभी आए हैं। अच्छा। बहुत तेज बारिश होने लग रही है, अगर थोड़ी देर और। क्या कर रहे हैं ये, क्या उठा रखा आपने? देखूंगा। पुष्पा, खुद ही लैपटॉप चला लोगे? चला नहीं लेता मैं। अच्छा, फ्रेंड्स दोपहर के 3:30 बजे हैं और मेरा दोपहर का काम खत्म हो गया है। इसके बाद पता सुबह चले गए थे ऑफिस, और मैंने अपना दवाई ली है, थोड़ा अब रिलैक्स है मुझे, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ। तो खाना वाना बनाने का काम सब मेरा ख़त्म हो गया। जो हम रात गांव से आटा और चीनी लेके आए थे वो मेरा यूँ ही पड़े हैं अभी। देखिए कोई बात नहीं, अगर तबीयत ख़राब होती है ना, लेकिन फिर भी लेडीज़ को तो काम करना ही होता है, तो अभी मुझे वो भरना है, क्योंकि ऐसे पड़े पड़े अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए घर छोटा है, फिर एंट्री कोई भी घर में आ जाता है तो ऐसे पड़े हुए सामान घर में अच्छा नहीं लगता। मुझे वैसे तो आटे से एलर्जी है, देखिए किसी को धूल से एलर्जी होती है, मिट्टी से एलर्जी होती है, मुझे आटे से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। एक तो मुझे कल से कोल्ड है और ऊपर से देखिए आज मुझे आटा भरना है। तो ये तो घर का काम है, देखिए करना तो पड़ेगा ही, लेकिन फिर भी चलो मास्क लगा के मुँह पे तब भरूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आटा भर दिया है, अब नंबर आया है चीनी का भरने का,
और हमारे जो ज्यादातर घर का सामान है वो गांव से ही आता है, जैसे आटा दाल चावल दूध ये सब हमारा गांव से ही आता है क्योंकि गांव पास में है, तो देखिए इसका बेनिफिट तो होता ही है। देखिए शाम के 6 बज रहे हैं और सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से क्या रात से ही बारिश हो रही है बहुत बुरी तरह, और ठंड तो बस पूछिए ही मत कितनी ठंड हो रही है। और अक्षत ड्राइंग कर रहा है, दिखाओ ना ड्राइंग, दिखाओ ड्राइंग दिखाओ, बस ये कंप्लीट ही होने वाली है। अच्छा कंप्लीट होने वाली है अभी। बस यहाँ पे थोड़े से डॉट डॉट करने हैं, डॉट डॉट करने हैं। तो अक्षत को बसंत पंचमी पे कल ड्राइंग बनाने के लिए दी है और उसको वो ड्राइंग बना रहा है अपनी। आप आ गए क्या? ठंड तो देख लो कितनी करवा रखी तुमने। क्या लाए? ठीक है, हाँ वैसे भी मौसम हो भी रहा है ऐसा ही। चाय बना लो। चाय बनाऊंगी। ऐसे मौसम में बहुत मजा आता है गरम गरम। ठीक है खा लो। और सीटें कट ली थी हिंदी वाली वो? हाँ वो तो कर ली। कर ली ये इसी में लग रही आज? नहीं वो कर ली। वो खुद पैक करेगा, तुम क्यों लोग जाते हो उनके सामान में आते ही? जब फैला पड़ा रहता है। हाँ तो वो उन्हें आता था कि पापा आगे में कर देंगे। खा सकता हूँ मैं थोड़ी सी? खा लो थोड़ी सी, तुम तो खाओगे ही। इतनी है? नहीं चाहे कितनी भी हो खाओगे तो हो ही। आज तो वैसे भी शुगर चेक होगा तुम्हारा और बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा। कभी ना आपका कमाता है कभी मुझे दिखा रहा था उन्हें आज पूरी शैतानी की है घर में है ना ये। हाँ पढ़ाई तो की नहीं है क्योंकि हालत बता रही है इसकी। बता रही ना इसकी, ये रजाई से उठ के आया अभी। हाँ ये पूरा दिन हो गया रजाई में ही है। है भाई? मम्मी की तबीयत खराब थी ना तो मैं लेट रही थी, तो इन्होंने मुझे आज बहुत परेशान किया पूरा दिन। ये तो कोई बात नहीं, रखो मैंने भैया को भी कहो। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं बना रही हूँ मिर्च का अचार, और ये अक्षत लेके आता है ये वाली मिर्च अपनी मैगी में डाल के खाने के लिए। तो मैं सोच रही थी मैंने कहा चलो थोड़ा सा अचार बनाते हैं तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए बनाते हैं अचार। इसमें जो मसाले डालेंगे वो है सौंठ धनिया, अमचूर, हल्दी पाउडर, मिर्च, ये मिर्च तीखी नहीं है तो मैंने थोड़ी सी मिर्च ली है, और नमक। ये जो मैं अचार बना रही हूँ ये बनने के 10-15 मिनट बाद जब ठंडा हो जाएगा तो ये तुरंत खाने के लिए तैयार हो जाता है। तेल गर्म हो गया है, भाप आ गई है तेल में से, और मैं इसमें डाल दूंगी राई। हमारी राई चटक गई है। देखिए सारे मसाले लग गए हैं मिर्च पे। मैं इसे बस 5 मिनट तक ही फ्राई करूंगी। आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने अमचूर डाल दिया है खट्टापन लाने के लिए हल्का सा। देखिए खट्टा खट्टा होता है अचार तो अच्छा लगता है खाने में भी। वैसे तो राई है, राई अपना खट्टापन छोड़ती है, लेकिन फिर भी नींबू की खटास अलग ही होती है। लेकिन यहाँ नींबू नहीं था तो हमने अमचूर पाउडर का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा अचार बन गया है, और अब मैं इसे भर दूंगी कांच के जार में, क्योंकि कांच के जार में अचार रखने से ख़राब नहीं होता है। और ये देखिए हमारा अचार हो गया है खाने के लिए रेडी। आप भी बनाइए, आप भी खाइए। हिंदी की वर्कशीट कर रहे हैं ना विभू? बस अब कंप्लीट होने वाली है। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी कर लो फिर खाना खा लेना। और आप क्या कर रहे हैं भाई? थोड़ा सा काम था यार। थोड़ा सा काम था? सिर्फ थोड़ा था। थोड़ा ही है। अच्छा एडिटिंग कर रहे हैं। खाना खाने का क्या प्रोग्राम है? थोड़ी देर पहले तो समोसे खाए हैं अभी। और चलो ये तो है खैर। तो फ्रेंड्स अब टाइम हो गया है वीडियो को एंड करने का। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।